नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए भारत जैसे देश में उसके लिए कुछ जगह। नीतीश कुमार क्या विदेश में पैदा हुए? ऐसे अपशब्द बोलने वाले को रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो माँ बहन देवी के रूप में पूछी जाती है उसके लिए इतनी अभद्र भाषा का उपयोग करना बहुत ही शर्मनाक है। जिस प्रकार से यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो सीधे तौर पे आप देख सकते हैं महिलाओं का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लग रहे हैं, और सीधे तौर पे नीतीश कुमार जो है उनके इस्तीफे की मांग चल रही है, और ये सारे दिल्ली बीजेपी की जितनी भी महिलाएं वो यहाँ पे इकट्ठा हुई है। नीतीश कुमार का जिस प्रकार से बयान था आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे अपशब्द बोलने वाले को रहने का कोई अधिकार नहीं है, और जहाँ पे महिलाओं का अपमान होगा तो महिलाएं नहीं सहेगी, ये हमारा मानना है। आज ये देखो लाखों की संख्या में महिलाएं आके इकट्ठी हुई है, किस लिए? क्योंकि उनकी ठेस, उनको बहुत ठेस पहुंचाई है, अपमान किया है, गाली दी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस प्रकार से नीतीश कुमार का पूरा बयान है उसका आप क्या कहेंगे? एक तरफ हमारे मोदी जी महिलाओं को इतना सम्मान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये नीतीश जी अब इतना अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसको हम कभी भी नहीं सहेंगे, और कभी भी हम इसको पब्लिक को महिलाओं का पूरा सम्मान चाहेंगे। कभी भी मोदी जी ने कभी अपमान नहीं किया है, और ये दूसरी पार्टी के लोग अगर ये ऐसा करेंगे तो हम कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अभी नीतीश कुमार का जिस तरीके से बयान आया उसके बाद आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो महिलाओं का अपमान सर्वआम जो है इस देश में किया जा रहा है नीतीश कुमार जी के द्वारा। बहुत ही मतलब घटिया तरीके से उन्होंने महिलाओं के बारे में जो टिप्पणी की है वो बहुत ही शर्मनाक है, और इस बात पर उन्हें इस्तीफा तो अवश्य उनका बनता है। उन्हें इस पार्टी को छोड़ना ही चाहिए और अपने घर बैठना चाहिए। जो आदमी महिलाओं को सम्मान नहीं कर सकता, मुझे लगता है भारत जैसे देश में उसके लिए कोई जगह। नीतीश कुमार का जिस प्रकार से बयान था उस पर आप क्या? देखिए नीतीश कुमार क्या विदेश में पैदा हुए? वहाँ पर भी शायद खुले मन से इस प्रकार की कोई अभद्र टिप्पणी महिलाओं के लिए नहीं करता, और हमारी भारत माता, हमारी भूमि जहाँ पे महिलाओं को सम्मान से देखा जाता है, जो माँ बहन देवी के रूप में पूजी जाती है, उसके लिए इतनी अभद्र भाषा का उपयोग करना बहुत ही शर्मनाक है। और हम सब यहाँ पे जिला नवीन शाहदरा की ओर से सारी बहनें आई हैं नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसे सिर्फ सेक्स एजुकेशन के रूप में देखना चाहिए और किसी और तरीके से नहीं देखना। भैया मेरे वहाँ पे क्या ये एजुकेशन सिस्टम बांट रहे थे? एजुकेशन हम भी जानते हैं व्हाट इज सेक्स एजुकेशन, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर एंड प्रायर प्लेस वेयर ही वाज गिविंग हिज, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट गोइंग टू एजुकेट रिगार्डिंग दैट सेक्टर। ऑलराइट, तो लेट हिम डू व्हाट ही इज डूइंग, और अब हम जो करेंगे इसका जवाब नीतीश कुमार दे कि उन्हें उनके घर में बहन बेटियां नहीं है, उनको पता नहीं है वो किस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है, और हम सभी बहनें इसकी बहुत बहुत ज्यादा निंदा करते हैं। ये आपने देखा कि किस प्रकार से जो दिल्ली बीजेपी की महिलाएं हैं वो सीधे तौर पर उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, और साथ ही साथ जो काफी गुस्से में भी है और कह रही है कि एक प्रधानमंत्री है जो हमारे औरतों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आरक्षण जैसी चीजें दे रहे हैं, और एक नीतीश कुमार है जिस प्रकार से उनकी ये अभद्र टिप्पणी थी विधानसभा में उसको लेकर वो खासा घिरे हुए नजर आ रहे हैं, और जितनी भी महिलाएं हैं इनके विरोध में खड़ी हुई। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।